हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी चैनल। दिस इज़ अंशिका। एंड गाइस, कुछ अपडेट्स देने थे कि कल से है मेरे फ्रेगमेंट, और मतलब मेरा पहला टेंथ का, मेरे हाई स्कूल का कल सबसे पहला पेपर है और पहला फ्रेगमेंट पेपर है, जिसके लिए आई एम सो नर्वस कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शुरुआत थोड़े अच्छे से हो, सो दैट बोर्ड्स तक सब चीज़ें एकदम स्टेबल और अच्छी चलें। बाय द वे, कल सबसे पहला मेरा पेपर है। बाय द वे, कल 24th है और मेरा पेपर है कल सबसे पहले मैथ्स का। और ऑनेस्टली आई एम वेरी, यू नो, बहुत ही गंदी है मेरी मैथ्स, ट्रस्ट मी, बहुत गंदी है। बट या मेरे सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया, पांचों जो भी पांच चैप्टर आ रहे हैं ओवरऑल, तो वो सब तो कंप्लीट हो गया। बट आई एम सो नर्वस, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपनी एनसीईआरटी से सारी चीज़ें लगा ली हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बाहर बाहर से भी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। बट अभी कभी काफ़ी ज़्यादा बीटी हो गई थी मुझे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फ़न कर लेते हैं। तो फ़न के लिए मैं सुनने जा रही हूँ कुछ गाने, और गाइस बहुत टेंशन है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि सीन कैसे चल रहा है। पढ़ाई ऐसी मैं गई थी थोड़ी देर पहले, और अभी मैं यहाँ पर पढ़ रही थी, और मैं आपको एक बार, ओ गाइस पेन गिर गई, एक बार आपको, ये है सीन्स, ये है मेरी कॉपी जिसमें मैं अभी तक क्वेश्चंस लगा रही थी, ये मेरी आकाश वाली बुक है, दिस इज़ एनसीईआरटी, दिस इज़ माय हेल्प बुक काइंड ऑफ, एंड दिस इज़ एनएच। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मतलब हाँ ठीक है, जो मेरे फ्रेंड्स जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि एनएच के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और हाँ एनएच के क्वेश्चन अच्छे हैं, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं हॉलीडे होमवर्क भी सॉल्व कर लूँगी। बाय द वे, मैंने हॉलीडे होमवर्क नहीं किया, नो रिग्रेट्स, बट अब रिग्रेट हो रहा है क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और या मैं रात को सिर्फ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, अभी के लिए आई एम गोइंग टू चिल सम हाउ एंड कुछ गाने सुनेंगे। मोटिवेशन देना चाहूँगी लोगों को, मम्मी कुछ बताना चाहती है, जैसे कि कल हाई स्कूल वाले बच्चों का सबसे पहला पेपर है, मतलब शुरुआत है, मैं तो बहुत नर्वस हूँ, बाकी सबका मुझे नहीं पता, बट मैं मम्मी से पूछना चाहूँगी कि मम्मी क्या कहना चाहेंगी इस बार के हाई स्कूल वाले बच्चों को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाई स्कूल वाले बच्चे मेहनत करें, पढ़ाई करें, जब पढ़ेंगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे। और बच्चों को 10th क्लास है तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इस टाइम बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, उसके बाद 10th क्लास करने के बाद फिर आगे उनको अपने भविष्य के बारे में आगे ही सोचना है कि आगे उनको क्या करना है। पढ़ाई इज नॉट एवरीथिंग, ये चीज़ तो मम्मी बताई नहीं, पढ़ाई इज नॉट एवरीथिंग, बट हाँ इतना पढ़ो कि अच्छे नंबर आ जाए यार। हाँ मेरा मतलब ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी जिसको टॉप करना है टॉप करो, किसी ने रोका नहीं है, या कॉम्पिटिटिव क्या कहते हैं माहौल है तो यू शुड ऑल्सो कम्पिटीट, बट या अगर आपने पढ़ा है तो वो चीज़ ठीक है। बट जैसा कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, मम्मी को छोड़ो, मम्मी थोड़ा यू नो थोड़ा सा ऑब्वियसली पेरेंट्स की तरह ही वो चीज़ आपको बताएंगे, बट मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि भाई देखो, जो आते हैं इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और अपने ऊपर सच में होप्स रखो कि यार यू कैन डू इट अगर पढ़ा है ऑनेस्टली तो, और नहीं पढ़ा है तो मेरी तरह एक दिन पहले पढ़ लो, ऐसा कुछ है नहीं, तो वो यार इस चेयर से मैं जा रही हूँ टीवी देखने। सुबह से इतना ज़्यादा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, दिस डेज आई एम हैविंग आइस्ड कॉफ़ी, तो आज मैंने आइस्ड कॉफ़ी नहीं पी थी सुबह, तो मैं गाइस बहुत बीमार पड़ गई थी, और फिर मैंने जब आइस्ड कॉफ़ी पी तब मैं एकदम ठीक हो गई थी, और मेरा बीपी भी था गाइस आज, गाइस पापा का बीपी हाई है बिकॉज मैं आज कोचिंग और स्कूल दोनों नहीं गई थी। बाय, नींबू लोगे। अब मैं जा रही हूँ सोने, और होपफुली मिलते हैं आपको कल सुबह। और मुझे समझ नहीं आ रहा, एक चीज़ मैं एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा 7:30 से लेकर के 10 बजे तक का कैसे पेपर हो सकता है, बिकॉज 3 घंटे की टाइमिंग इज़ बहुत ज़्यादा है ऐसे एग्जाम्स के पर्पज से। हाँ लेट्स सी गाइस, वी विल फिगर इट आउट टुमारो। अभी मैं कुछ देख रही हूँ सीरीज। बाय, मैं एकदम से ब्लॉगिंग करना भूल गई, गेस इग्नोर द स्टफ आई एम हैविंग राइट नाउ। बट या मेरा ना मैथ्स का एग्ज़ाम ना एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा गया है, बट हाँ गाइस थोड़ी बहुत क्या, एक मेजर मैं चीज़ मतलब ख़राब करके आई हूँ जो कि मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी। हाँ बट मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ एनी वेज,
सो मैथ्स का पेपर मतलब वेंट वेल, और जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था मेरा पहला पेपर कैसा जाएगा मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो यार अच्छा गया। इट्स नॉट मतलब हाँ कि मैं बहुत ज़्यादा सच में नर्वस थी कि कैसा जाएगा बट अच्छा गया ब्रो। एंड आज अब अगला पेपर इज ऑफ माई साइंस जो कि है मंडे को, तो बहुत पढ़ना है गाइस, और बहुत पढ़ना है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने क्यों नहीं पढ़ा जब पढ़ाया जाता था भाई ये सब को। और अब मैं टेंथ में हूँ, उस साल मेरे लाइक बोर्ड्स ईयर हैं, बट स्टिल आई एम स्टिल दैट वन किड जो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ता है। और मैंने सोचा था कि नाइन्थ में नहीं होगा, बट अभी भी यही हो रहा है, एक दिन पहले पढ़ना पड़ रहा है। सो या गाइस चीयर्स। और सच्ची बता रही हूँ मेरे को फिजिक्स से कुछ भी नहीं आती है गाइस, साइंस में तो लगने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, सहलेंगे थोड़ा, यूट्यूब इज गो। सो या गाइस, तो एनी वेज आपको मिलते हैं, बाय बाय बाय, कीप आई विल कीप यू अपडेटिंग। ऐसे ही मेरे अपडेट्स चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या गाइस बाय, विश फॉर मी दो।